जगदीश, जगदीश खोल। अरे तेजू, तू इतनी बारिश में? दरवाजा बंद कर, बारिश देख कितनी हो रही है। बहुत बारिश है। अरे यार, छुट्टी का दिन और मैं तुमसे ना मिली तो लगता है सवेरा ही नहीं हुआ। और इसीलिए सुबह सुबह भीगता चलाया। नहीं, भीगने वाला नहीं था मैं। दरअसल हुआ ये, कमबख्त कार वाले ने भिगो दिया। ले बैठ। खैर तू बता। अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहा था तू? बेटी से बातें कर रहा था। अब तुझसे क्या छुपाना, तू एक ही तो मेरा दोस्त है। तेजू यार, इस दुनिया में अमीर होना बहुत जरूरी है। ये एहसास मुझे सुंदरी की माँ के देहांत के बाद तब हुआ जब सुंदरी की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। हमारी जिंदगी तो कट ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, उसे एक राजकुमार जैसा सुंदर सा जीवन साथी मिले, हर खुशी मिले उसे। मिलेगी जगदीश, जरूर मिलेगी यार, तुम निराश मत हो। देखना, हमारी सुंदरी एक दिन वो सारी खुशियां हासिल करके रहेगी, तुम्हारे हर सपनों को साकार करेगी जगदीश। एनीवे, वो है कहाँ, सपनों की राजकुमारी सुंदरी। ओ सुंदरी, तुम्हारे तेजू अंकल आए भाई, जरा बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना के लाओ उनके लिए। अरे भाई जरा, आज चाय उसके हाथ की नहीं, तुझे मेरे हाथ की पीनी पड़ेगी। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ की चाय कौन पिएगा? क्योंकि कॉलेज के साथियों के साथ वो पिकनिक पर गई है। देख पाला, पानी में कैसे मछली की तरह फड़फड़ा रही है। पानी में तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। अरे तो फिर चलो, फिर देर काहे की। मैं हूं अजय। अजय, thank you.
अरे सुंदरी कैसी बातें कर रही हो तुम? कम ऑन अजय। नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। हाय पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। दिल के बदले दिल तू दे दे, तू है मेरी बस ये कह दे। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। शहजादी रूठ के ना जा और न तड़पा पास तू आ जा। ओ शहजादी रूठ के ना जा और न तड़पा पास तू आ जा। कहाँ चली ऐसे बलगा के, नहीं जवानी पे इतरा दे। दिल के बदले दिल तू दे दे, तू है मेरी बस ये कह दे। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। सीली साज गुलाबी मौसम देखो हुआ शराबी। ओए सीली सीली साज गुलाबी मौसम देखो हुआ शराबी। बौरे बंद हुए कलियों में, प्रेमी डूबे रंग रलियों में। दिल के बदले दिल तू दे दे, तू है मेरी बस ये कह दे। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। गबरू लुधियाने वाला समझ न पीछे हट जाऊंगा। ओए ओए मैं गबरू लुधियाने वाला समझ न पीछे हट जाऊंगा। बना के तुझको अपनी दुल्हन, उठा के एक दिन ले जाऊंगा। दिल के बदले दिल तू दे दे, तू है मेरी बस ये कह दे। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। सुंदरी तुम मेरा प्यार हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे वो तो चार थे, अगर दस भी होते ना सबके छुट्टी कर देता यूं ठक ठक। बस 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 क्या हुआ, अब क्या हो गया? यस क्या यही है तुम्हारा घर? नहीं, घर तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अरे तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। घर तक छोड़ने आओगे तो सारा मोहल्ला हमें एक साथ देख लेगा ना बाबा। अरे सुनो सुनो क्या होगा? क्या होगा? हाँ। अरे ये कहो क्या नहीं होगा। लोग हजारों तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे, क्या कहूँगी उनसे? आप हमारे है कौन? मैं कोई नहीं, होने वाला हूँ ये कह देना। हो जाओगे तो कह दूंगी, तब तक के लिए बाय। इतना लंबा बाय मत करो प्लीज, मैं मर जाऊंगा। तो कितना लंबा करूं? छोटा सा, कल तक के लिए।
कल मैं तुम्हारा इसी जगह इसी वक्त इंतजार करूंगा, वहां से हम लोग साथ जाएंगे। कहां? अरे जहां तुम ले चलोगी। अच्छा बाबा, आऊंगी आऊंगी आऊंगी, अब तो जाने दो। ओके सो कल हम इसी वक्त मिल रहे हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का? पक्का। बाय बाय। यो बाय। आ गई मेरी बच्ची, आ गई है। आप कैसे पापा? बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा बता, कैसी रही तेरी पिकनिक? अरे बहुत मजा आया पापा, खूब घूमे, खूब खाया पिया। अरे बारिश में नहाने का इतना मजा आया। अरे मैं तो और भी नहाना चाहती थी, लेकिन हमारे प्रोफेसर है ना, उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए कह दिया। पापा मैंने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया, लेकिन वो जो है ना, वो मुझसे जीत गया। लेकिन पापा उसका जीतना भी मुझे अच्छा लगा। पापा पापा पापा, आज ये बहुत अच्छा लड़का है पापा। अरे आपको पता नहीं, अगर वो कल नहीं होता ना, अरे क्या पिटाई की उसने उन चारों की। ये डिशम, ये डिशम, ये डिशम। पापा 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 पापा, अब ठीक तो है ना पापा? कुछ नहीं बेटी, बस यही खांसी आ गई थी। ये अजय कौन है बेटी? मेरे कॉलेज में पढ़ता है, लॉ कर रहा है। अपने दवाई ली पापा? दवाई की कोई जरूरत नहीं है बेटी, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं पापा, उठिए चलो डॉक्टर के पास, आपका चेकअप कराते हैं। चलिए उठिए। तू सचमुच पगली? ठीक है, कल डॉक्टर से चेकअप करवा लो। अच्छा ये बता, तू किस लड़के की बात करी थी? पापा मैंने आज तक आपसे कुछ छिपाया है? अजय मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है पापा। क्या हुआ पापा? बेटी तेरी माँ जिंदा होती तुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाती, लेकिन अब मैं ही तेरी माँ और तेरा बाप हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा बेटी कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत ऊंचे मुकाम पे देखना चाहता हूँ, कहीं तेरी ये नादानी मेरे सपनों को चूर चूर ना कर दे बेटी। अपनी बेटी पर भरोसा रखिए पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको किसी के सामने अपना सर झुकाना पड़े। मैं आपका हर सपना पूरा करूंगी पापा। क्या हुआ बेटी? हाँ? कुछ खोई खोई सी लग रही हो। नहीं वो तो बस समझ गया, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं पापा, वो तो बस यूं ही, मैं तो वो बस अच्छा वो... जा, तू अजय से मिला, मैं यही तेरा इंतजार करता हूँ। पापा, I just love you पापा। पापा बस दो मिनट पापा, मैं जब जाके आती हूँ, आप यहाँ रुकना पापा, बस दो मिनट, दो मिनट। अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी चलो। अजय मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? पापा को डॉक्टर के पास ले जाना है। अरे इतने दिन में नहीं थी ना, खांसी के मारे उनका बुरा हाल हो गया है। अजय मैंने पापा को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। तो पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा जो मुझे पसंद है वही पापा को भी पसंद है। सच? चलो मैं पापा से मिलाती हूँ। हाँ हाँ चलो, हमें क्या एतराज हो सकता है जब उन्हें कोई एतराज नहीं।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। आइए बेटी। डॉक्टर साहब, जगदीश की हालत कैसी है? देखिए, पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। सर पर गहरा जख्म होने की वजह से वो इस वक्त कोमा में चले गए ड्यू टू सब्ड्यूल होमोटोमा। डॉक्टर, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, ये जिंदा तो रहेंगे, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। इसलिए इन्हें हॉस्पिटल, कीमती दवाइयां और 24 घंटे के लिए एक नर्स की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें आप मंगा लीजिए। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, हम जगदीश को घर कब ले जा सकते हैं? घर ले जाने के लिए मैं इन्हें इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनका हॉस्पिटल में रहना ही ठीक है। हाँ, थोड़ा आपका खर्च जरूर ज्यादा होगा। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर। देखिए, जगदीश मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर, मैं अपने पापा को देख सकती हूँ? क्यों नहीं। लालाजी, आप? हाँ बेटी, मैं। जगदीश रात नजर नहीं आ रहा। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में हैं? क्या हुआ उसे? कार के साथ एक्सीडेंट। ओहो, वो ठीक तो है ना? मेरे पापा कोमा में हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ मैं किराया लेने चला आया, नहीं तो खबर मुझ तक भी नहीं पहुंचती। मैं इस महीने का किराया नहीं दे पाऊंगी, सारे पैसे पापा के इलाज में खर्च हो गए। किराए की कोई बात नहीं बेटी, किराया 2-4 महीने नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन तू जगदीश के बिना गुजारा कैसे करेगी, घर कैसे चलाएगी, खाएगी क्या? तेजू अभी जिंदा है लाला, तेजू अभी जिंदा है। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ? उसकी बेटी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। तुम्हें भाड़ा चाहिए, ये तुम्हारा भाड़ा पूरा, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, भाड़ा तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मगर हमें भी गैर मत समझना सुंदरी। नमस्ते तेजू भैया। वैसे लाला की बात ठीक ही है, तुम्हारी पढ़ाई, जगदीश का इलाज, इस घर का भाड़ा बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैं पढ़ाई छोड़ के कोई नौकरी कर लूंगी। नहीं नहीं सुंदरी, नहीं, ऐसा नहीं कहते। जगदीश का सपना है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, और वो तुम्हें पूरा करना है सुंदरी, पूरा करना है तुम्हें। आई अंडरस्टैंड कि यहां अकेली को तुम्हें रहना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। मैं यही कर सकता हूं कि एक मेरे दूर की रिश्तेदार है शोभा, वहां तुम्हें ले जाओ। आओ बेटे, आओ, आ जाओ। अरे आप, आइए आइए। आओ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ। शोभा, ये है सुंदरी, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जगदीश की बेटी। मैं अक्सर जिक्र करता था ना,
है ना, मालूम है तुम्हें। और सुंदरी ये है शोभा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम इन्हें अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। हाय दीदी। दीदी कहती हो तो हाथ नहीं मिलाओ, आओ गले लग जाओ। आओ बैठ। सुंदरी शोभा ने भी अपने जीवन में बड़े दुख झेले। ओहो अब बैठो ना। नहीं मुझे अभी जाना है दरअसल। शोभा ये मेरी अमानत है और मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, याद रखना। इसे बहुत प्यार देना और इसकी परवरिश तहे दिल से करना। सुंदरी की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, ये मेरी छोटी बहन है, इसे आप यहाँ तक लेकर आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे क्या करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुंदरी मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। सुंदरी तेजू भी कमाल का आदमी है, हर आदमी का दुख अपना दुख समझता है। शादी के एक साल बाद ही मेरे पति एक्सपायर हो गए थे और तब से लेके आज तक तेजू ही मेरा ख्याल रखता है। सचमुच वो इंसान नहीं देवता है। सचमुच देवता है तेजू अंकल। सच कह रही हो सुंदरी, जितना तुम्हारे लिए तेजू अंकल कर रहे हैं उतना आज के जमाने में कौन किसके लिए करता है। पापा ने मेरे लिए क्या क्या सोचा था, उनके एक्सीडेंट से सब कुछ खत्म हो गया। क्या सोचता है इंसान और क्या हो जाता है। कम ऑन सुंदरी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखो जगदीश, ठीक हो जाओगे तुम, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें इस तरह अस्पताल में तड़पते नहीं रहने दूंगा जगदीश, बिल्कुल नहीं। देखना जब तुम घर आओगे तो सुंदरी को उस मकाम पे पाओगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। What nonsense? क्या हुआ? दीदी पीरस भी क्या मुसीबत है? भगवान को हम लड़कियों को ही क्यों ये दुख देना था? Why not men? तुम इसे मुसीबत कहती हो? और नहीं तो क्या? अरे पगली, मासिक धर्म तो वो चीज है जो लड़की को जवानी का पैगाम देती है। ये अगर भूल है तो एक माँ का जना हुआ बच्चा फल है। जैसे मासिक धर्म नहीं होता वो औरत अधूरी है। सुंदरी तुमने कभी अपने शरीर को आईने में देखा है? ये बिल्कुल अजंता एलोरा की मूरत जैसा है। दीदी तुमने कभी अपने शरीर को आईने में देखा है? बिल्कुल अजंता एलोरा की मूरत जैसा है। Thank you.
देखना मैं तुम्हारी इतनी अच्छी तस्वीर बनाऊंगा। अरे बस भी करो ना। हिलना नहीं मैंने बोला ना। हाँ वैसे ही खड़ी रहो। हाँ आँख 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 बंद रखो। हाँ वेरी नाइस। ओके रिलैक्स। तैयार हो गया? हाँ हाँ हो गया। ए, मुझे देखना है। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ। अभी सुनो आंखें बंद करना ठीक है। नो चीटिंग। ओके जब मैं बोलूंगा तभी आंखें खोलना। ओके ओके खोलो। देखा कितनी सुंदर है मेरी सुंदरी। जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है जिस खूबसूरती से तुमने इसे बनाई उतनी खूबसूरत तो मैं नहीं। तुम्हारी ये नशीली आंखें तुम्हारे ये दहकते होंठ ये सुराहीदार गर्दन ये मस्ताना रूप किसी को भी दीवाना बना दे। ओए ज्यादा शायरों जैसी बातें मत करो। ओए रूप तेरा मस्ताना कुड़िये चढ़ती तेरी जवानी ये किसी शायर के बोल नहीं है सच में रूप तेरा बल्ले बल्ले। रूप तेरा मस्ताना कुड़िये चढ़ती तेरी जवानी कहाँ चली ऐसे बल खाके ऐ फूलों की दानी। रूप ये बल्ले बल्ले ये नखरे बल्ले बल्ले मेरी जान बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले। जंगल का मोर सोनिए तू है मोरनी मेरी मैं हूँ तेरे भाग का माली तू है कच्ची कैरी। मैं जंगल का मोर सोनिए तू है मोरनी मेरी मैं हूँ तेरे भाग का माली तू है कच्ची कैरी। यौवन पे जौवन की मस्ती उम्र है 16 साल मोरनी बल्ले बल्ले मोर ये बल्ले बल्ले मेरी जान बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये दिलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले। ओ रूप तेरा मस्ताना कुड़िये चढ़ती तेरी जवानी रूप तेरा मस्ताना कुड़िये चढ़ती तेरी जवानी कहाँ चली ऐसे बल खाके ऐ फूलों की दन। रूप ये बल्ले बल्ले ये नखरे बल्ले बल्ले मेरी चा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले। रक्ता छलकाए मौसम जैसे छलके जाम हमरा बन रस पान करूं मैं तेरा सुबह शाम। मादकता छलकाए मौसम जैसे छलके जाम हमरा बन रस पान करूं मैं तेरा सुबह शाम। कांटा बन के करूं हिफाजत मैं तेरा गुलमाम जाम ये बल्ले बल्ले शाम ये बल्ले बल्ले मेरी जा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले। आग लगाए बारिश के पानी में हुस्न तेरा
अंगारों से खेल न जाए इश्क सनम ये मेरा, आग लगाए बारिश के पानी में हुस्न ये तेरा, अंगारों से खेल न जाए इश्क सनम ये मेरा, तू शम्मा है अगर हुस्न की इश्क मेरा परवाना, हुस्न ये बल्ले बल्ले इश्क ये बल्ले बल्ले मेरी चा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले वो रूप तेरा मस्ताना कुड़िए चढ़ती तेरी जवानी, हाँ रूप तेरा मस्ताना कुड़िए चढ़ती तेरी जवानी, कहाँ चली ऐसे पल खा के ऐ भूलों की रानी, रूप ये बल्ले बल्ले ये नखरे बल्ले बल्ले मेरी चा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले मेरी चा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले मेरी चा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले ये जलवा बल्ले बल्ले तेरी तो बल्ले बल्ले। सुंदरी तू आ गई कॉलेज से? हाँ दीदी। अच्छा अब तू एक काम कर, तू आराम कर। हाँ। मुझे जरा काम से बाहर जाना है, मैं आराम से आऊंगी, मुझे देर हो जाएगी। हाँ ओके दीदी। सुंदरी को आजकल सेक्सी किताबें पढ़ने में ज्यादा मजा आने लगा है। उन किताबों से जब उसका मन भर जाए तब उसे इन तस्वीरों को देखने की इच्छा होगी। You're too good. सुंदरी को सेक्सी किताबों की ऐसी आदत पड़ चुकी है,
यदि वो किताबें उसे ना मिले तो सारे सामान को उथल पुथल कर देती है। वेरी गुड, अब उसे ये कैसेट दिखाओ। जब बात इस हद तक बढ़ जाए तो माचिस की एक तिल सुलगती हुई आग में बारूद का काम करती है। कहाँ गई? सुंदरी, हाँ? क्या ढूंढ रही हो? वो कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, किताबों पर बहुत धूल जम गई थी, इसीलिए मैंने वो थोड़ी सफाई कर दी। सुंदरी, बाकी की सफाई मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कल क्या लाई थी मैं? क्या लाई थी दीदी? ये फिल्म। ये इंसान के तन मन सबको साफ कर देती है। इसे लगा कर देखो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ओके दीदी। कर दिया? उसमें गंदी फिल्म है दीदी। सुंदरी, ये तुम्हारे मन की गंदगी है जो आंखों में आ जाती है। सुंदरी, तुम जैसी लड़कियां सेक्स को गंदी निगाह से क्यों देखती हैं? ये तो भगवान की दी हुई देन है जो हर इंसान, हर जानवर, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों को भी सेक्स की जरूरत होती है। हाँ, संभोग ही वो रास्ता है जो इंसान को मोक्ष की ओर ले जाता है। संभोग से ही दो जिस्म एक जान हो जाते हैं और आत्मा आत्मा से मिलकर परमात्मा हो जाती है। देखो सुंदरी, तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी। पहले इसे देखो, वात्स्यायन का लिखा कामसूत्र, काम कलाओं का ये ग्रंथ। जिस औरत या मर्द ने नहीं पढ़ा वो अधूरा है। कभी फुर्सत में इसे पढ़ना। तुम्हें अपनी दीदी की बात गलत नहीं लगेगी। नहीं है राती।
दीदी आप ये क्या कर रही थी आप? सुंदरी जो तुम काम मुद्रा में चाह रही थी वही कर रही हूँ। दीदी सुंदरी तुम उस काम मुद्रा में इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं एक औरत होते हुए भी तुम्हें आगोश में भरने से रोक नहीं पाई, और यदि तुम्हें कोई मर्द देख लेता तो उस पर तो लाखों बिजलियां गिर पड़ती। दीदी रहने दो, अब बस भी करो ना दीदी। मेरी आंखों ने जो सच्चाई देखी वही तो कह रही हूं, तुम्हारी सुंदरता अनमोल है सुंदरी।
सुंदरता की कीमत ही क्या है दीदी? सुंदरी तू बहुत भोली है, तू नहीं जानती तुझ जैसी सुंदरी को बाहों में भरने के लिए मर्द लाखों रुपए लुटा सकते हैं। सुंदरी मेरे पास ये धन दौलत जायदाद ये सब कुछ नहीं है, मगर मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें इन सब की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अजय देखो अभी बारिश शुरू हो गई। अरे चलो अच्छा है, एक आशिक की तड़प कोई तो सुन रहा है। अरे कौन आशिक? आशिक आहा, अरे ये आशिक तुम्हारा महबूब। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम सो रही थी ना और मैं तड़प रहा था कि तुमसे कुछ बातें करूं। अरे रुको ना, कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं थोड़ी देर। नो सुंदरी सुंदरी जैसी सुंदरी को बाहों में भरने के लिए लोग लाखों रुपए लुटा सकते हैं, लाखों रुपए लुटा सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ए सुंदरी बोलो ना क्या हो गया? नहीं। सुंदरी कि मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यहां पर इनकी तबीयत इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि आप इन्हें कैसे भी करके अमेरिका ले जाइए, वहां पर इनके ब्रेन सेल्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। सच डॉक्टर? हाँ ये सच है, लेकिन इसमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब जगदीश मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मिस्टर तेजू आप ज्यादा इमोशनल मत होइए, बात हजारों की होती तो मैं आपके जज्बात की कद्र करता, लेकिन यहाँ तो बात लाखों की है। लेकिन फिर भी कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब? कम से कम 20 लाख रुपए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी रकम है और ये इतनी बड़ी रकम जमाना बड़ा मुश्किल है। सोच लीजिए इनकी जिंदगी का सवाल है, जितनी ही ज्यादा देर होगी उतना ही पछताना पड़ेगा, समझे आप? सुंदरी तू बहुत भोली है, तू नहीं जानती तुझ जैसी सुंदरी को बाहों में भरने के लिए मर्द लाखों रुपए लुटा सकते हैं। सोच लीजिए इनकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन फिर भी कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब? कम से कम 20 लाख रुपए होंगे।
तुम्हारी सुंदरता अनमोल है सुंदरी। तुझ जैसी सुंदरी को बाहों में भरने के लिए मर्द लाखों रुपए लुटा सकते हैं। दीदी, दीदी। सुंदरी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? और तुम अभी तक सोई नहीं? दीदी आपने जो कहा था क्या वो हो सकता है? क्या कहा था मैंने? वही कि कोई भी मर्द मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए लाखों रुपए दे सकता है। हाँ वो सच तो है, लेकिन दीदी मुझे अपने पापा को बचाने के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत है, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुंदरी यदि तुम मर्दों की बाहों में जाने के लिए तैयार हो तो तुम लाखों तो क्या करोड़ों रुपए कमा लोगी, और उसके बाद तुम अपने पापा को बचा सकोगी। मुझे वो पैसा चाहिए दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल तुम्हें उस इंसान के पास ले जाऊंगी जो तुम्हारे सारे काम पूरे कर देगा। अब सो जाओ, अब सो जाओ। सुंदरी सुंदरी यही है वो शख्स जो तुम्हारा हितैषी भी है और तुम्हारा मार्गदर्शक भी। मेरे मार्गदर्शक? हाँ। जो तुम्हें सुंदरी से काम सुंदरी बना सकता है। सुंदरी मैंने सुना है तुमने कॉलेज छोड़ दिया है, मगर ऐसा तुमने क्यों किया? पढ़ाई करके भी क्या फायदा, मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली जो मेरे पापा के इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिलाएगी। कुछ नहीं होगा अजय, कुछ नहीं होगा। ठीक है तो फिर क्या करोगी तुम? कुछ भी करूंगी जिससे अपनी गरीबी को दौलत के नीचे दबा सकूं। अजय तुम मुझे भूल जाओ। अच्छा तो मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये क्या कह रही हो तुम? अजय मैं जा रही हूँ, अब मेरा पीछा कभी मत करना। ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो तुम? पीछा न करना, भूल जाओ, क्या हो गया तुम्हें? अजय आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है, क्योंकि अब मैं उस दिशा में जा रही हूँ जहाँ से मेरा लौट के आना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ए, सुंदरी 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 मेरी बात सुनो।
सुंदरी, तेरा बदन तो पहले से ही गुलाब की पुंखड़े से ज्यादा मुलायम है। जो भी मर्द तुझे स्पर्श करेगा वो मदहोश होकर तुम्हें आलिंगन में भरने की कोशिश करेगा। नजर आप भी देख लीजिए। हुआ हीरा कभी कंकर नहीं हो सकता। नहीं नहीं सुंदरी, नहीं, आंसू मत गिरने देना। काम सुंदरी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। पहुंच दो इन आंसुओं को और आंखें खोल कर देखो सुंदरी, तुम्हारी मंजिल की पहली सीढ़ी तेजू। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। आपके लिए अनमोल हीरा लाया हूं। वाह, ब्यूटीफुल, सेक्सी। ये अनमोल हीरा नहीं, ये तो कोहिनूर का हीरा है तेजू। तेजू, तुम्हारी मौजूदगी रहने से इस हीरे की चमक कुछ फीकी सी पड़ रही है रे। आप ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं तनेजा साहब। मैं तो अभी जा रहा हूं, मैं चलता हूं जरा प्यार से। जैसा नाम वैसा काम। लाल छड़ी, तू कब से खड़ी है रे? कम स्वीराट, बेवकूफ है तेजू। काम सुंदरी का दाम मालूम नहीं उसे, बड़े ही सस्ते में दे गया कोहिनूर का हीरा। आप अपनी कीमत वसूल कीजिए सेठ। तुम सिर्फ काम सुंदरी नहीं, तुम तो कामदेव की कल्पना हो। ब्यूटीफुल, आह।
जी कहिए। जी मेरा नाम अजय है। सुंदरी अक्सर आपका जिक्र किया करती थी। आप शोभा जी है ना? जी मेरा ही नाम शोभा है। शोभा जी मुझे सुंदरी से मिलना है। सुंदरी से? जी हाँ। लेकिन वो तो एक महीना पहले चली गई यहाँ से। चली गई? क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ गई होगी? मालूम नहीं, बेचारी इस पथरीली दुनिया में कहाँ गई होगी, किस तरह अपनी अंधेरी रातों में रोशनी भर रही होगी। वाह वाह काम सुंदरी, तुम्हारा जवाब नहीं। सुंदरी तुम? ये क्या हाल बना रखा है अपना? इस सवाल का जवाब तुम ही दे सकती हो सुंदरी। अजय मेरी जिंदगी खुद एक सवाल बन चुकी है। अगर तुम भी अपने आप को इस तरह शराब में डुबो दोगे तो क्या होगा तुम्हारा कल? सुंदरी मेरा आज और कल सिर्फ तुम हो। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ सुंदरी। सुंदरी 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 अच्छा। हेलो ठाकुर साहब। सुंदरी। ओ, काम सुंदरी, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। वाह, वाकई किसी को भी अपने वश में कर लेने की काया है तुम्हारी। ठाकुर साहब मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी तारीफ में अपने रात के ये हसीन पल यूं ही गवा दें। अपने आप को खुश नसीब समझो लड़की कि हमने तुम्हारी तारीफ में चंद लफ्ज कह दिए, वरना हम तो यहाँ नंगे बदनों की नुमाइश करवाते हैं और जब हमें कोई पसंद नहीं आता तो यूं ही उसे वापस भेजकर अपनी कीमत वसूल कर लेते हैं। ठाकुर साहब कितनों के साथ हम बिस्तर हुए हैं आप? हमारी पत्नी को छोड़कर आज तक कोई भी लड़की हमें हम बिस्तर होने पर मजबूर नहीं कर पाई, इसका अफसोस भी है हमें। पत्नी इतनी सुंदर है तो किसी और के बाहों में जाने के लिए क्यों तड़पते हैं आप?
जब हमारी चुनौती कोई स्वीकार नहीं कर पाता तो हम इसी में अपनी जीत समझते हैं। लेकिन आपने ये चुनौती काम सुंदरी को दी है, याद रखिए आप हार भी सकते हैं। काम सुंदरी, इसी हाँ का तो हमें मुद्दत से इंतजार था। ये चुनौती भरा जाम मैं बनाऊंगी ठाकुर साहब। सच? ये जवानी है मजा 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 लीजिए, जवानी है मजा 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 लीजिए। ओ मेरी आंखों में नशा 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 पीजिए, ओ प्यार लीजिए, ओ प्यार लीजिए, ओ प्यार लीजिए, ओ प्यार लीजिए। ये जवानी है मजा 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 लीजिए।
वेलकम वेलकम मैडम, नए घर में स्वागत है आपका। थैंक यू। खंडाले वाले डील भी हो गया फाइनल, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। और पुणे का? हाँ वो हो गया है। कम दिस वे। वो पेपर्स तो सबमिट हो गए ना? यस मैडम, वो पेपर सारे सबमिट हो गए, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। और पैसे कन्वर्ट किए? हाँ उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मिस्टर सिंह कि मैं अपनी सारी दौलत वाइट करना चाहती हूँ, और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। कर तो रहा हूँ मैडम, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त? मिस्टर सिंह मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पापा के अमेरिका से आते ही मैं उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहती हूँ। मैडम अगर आपने जल्दबाजी की तो आपके ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके हाथों से निकल जाएगा। मिस्टर सिंह शायद आप ये नहीं जानते, इस शहर के तमाम रईसों के पास जो मेरे हिस्से की दौलत है, अगर इन दोनों हाथों से भी खर्च करूँ ना तो भी कम नहीं होंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैडम डॉक्टर राधा आपका बेडरूम में इंतजार कर रही हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके मिस्टर सिंह, बाय, आई कॉल यू। या कैसी हो सुंदरी? ठीक हूँ। आओ मैं चेकअप करती हूँ। यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं। यहाँ? नहीं। कोई थकावट या कमजोरी तो महसूस नहीं होती? आज तक तो नहीं, कल की कल जाने। कल की चिंता मत करो, मैं चलती हूँ, नर्स को ब्लड टेस्ट के लिए भेज दूंगी। ये लीजिए। थैंक यू। हेलो, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी जी। नमस्ते। सुंदरी कहाँ है? गार्डन में है। हाय सुंदरी। हाय। क्या बात है? गुड, वेरी गुड। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर खरबंदा अमेरिका से वापस आए? हाँ आ गए। कैसे हैं मेरे पापा? ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। कितने महीने हो गए पापा को अमेरिका भेजे हुए, अभी तक उनके हालत में कोई चेंज नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? सुंदरी अमेरिकन डॉक्टर्स भी इंसान हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं पापा को देखने अमेरिका जाना चाहती हूँ। बच्चों जैसी बात मत करो, मैं हूं यहां पर, तेजू है यहां पर। तेजू जब कोई काम अपने हाथ में लेता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाता ही है। लेकिन तेजू मेरे पापा। मैंने कह दिया वो आ जाएंगे। लेकिन वो मेरे पापा। अभी वक्त है गागर भरने में सुंदरी, अभी वक्त है, वो आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके ओके। What the hell is it, Mr. Nair? क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके पेपर्स नहीं चेक किए थे? अरे भाई चेक किए थे, ठीक थे, मगर ये म्युनिसिपल कमिश्नर अपने मनमानी से जमीन एक्वायर करके अनाथ आश्रम को दे दिया, तो मैं क्या करूं, मैं तो लूट गया भाई। अरे कमिश्नर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अनाथ आश्रम तो क्या, वो चाहे तो वहां शमशान बना सकता है, रिस्क कोर्स बना सकता है। आपने लेदे के कुछ मामला पटा क्यों नहीं दिया? अरे भाई बड़ी कोशिश की, मगर ये म्युनिसिपल कमिश्नर बड़ा उसूल वाला है,
बड़ा ईमानदार आदमी निकला। मिस्टर नैयर, इस दुनिया में ईमानदारी की हद वहीं तक होती है जहां तक इंसान का ईमान ना डगमगा जाए। अंडरस्टैंड? हाँ। बस एक बार ईमान डगमगा जाए तो अनाथालय की जमीन तो क्या, मैं शमशान की जमीन पर भी तुम्हें 5-स्टार होटल बनाने की परमिशन दिला सकता हूं। वाह वाह, वो कैसे? जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम सिर्फ काम सुंदरी कर सकती है। खूबसूरत जिस्म पे इतने कपड़े अच्छे नहीं लगते, इनकी यहां कोई जगह नहीं। ये क्या? ये एक बैरियर है कमिश्नर साहब, जिसको हटाने के बाद ही आप अपनी सांसें मेरी सांसों से मिला सकते हैं। मतलब? एक छोटा सा ऑटोग्राफ चाहिए आपका, जिसकी कीमत 10 लाख, उस बैग में रखे हैं। अरे पैसे वैसे छोड़ो, ये फाइल किसकी है? बिल्डर नैयर की है। क्या कहा? नैयर बिल्डर्स की फाइल? मैं उस अनाथ आश्रम की जमीन पर नैयर बिल्डर्स को बिल्डिंग बनाने की परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। सोच लो कमिश्नर। अनाथ आश्रम तो कुछ दूर हट सकता है, लेकिन एक बार सुंदरी के बदन से कपड़े लिपट गए तो आपको लिपटने का मौका नहीं मिलेगा। पहले साइन। नहीं नहीं, सोच लो। नहीं। साइन। अजय, एलएलबी के एग्जाम में तुम पास तो हो गए, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में तुम फेल हो गए। प्रकाश, तुम जब भी बातें करते हो पागल जैसी बातें करते हो। शायद अजय मैं पागल हूं। अजय, तुम्हारी सुंदरी का पता चल चुका है। क्या? सुंदरी का पता चल गया? कहां है वो? लेकिन अजय, तुम उससे नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकता, वो मेरी सुंदरी है। वो सुंदरी से अजय अब काम सुंदरी बन चुकी है। क्या? लो मंत्री जी आ गए भाई, जल्दी करो जल्दी करो। आओ आओ चलो। मंत्री जी आ गए। आइए आइए मंत्री जी आ गए। आइए आइए। मुबारक हो सर। मुबारक हो। स्वागतम। बधाई हो मंत्री जी, बधाई हो। आपका अपना दयानंद आपका हार्दिक स्वागत करता है मुंबई शहर में आने का, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और इन सब लोगों की ओर से अभिनंदन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो देना, तुम्हारी तरह कोई मामूली नेता नहीं हूं। मंत्रिमंडल में खास जगह है मेरी, खास। कहां है वो शहर की महान हस्तियां जिनकी तरफ से तुम मेरा यहां स्वागत करने आए हो? मैं अकेला क्या कर सकता था सर। अरे तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, नाक कटवा दी तुमने तो। कहां है वो तनेजा, वो नैयर, वो वीरेंद्र प्रताप सिंह? काम करवाने के लिए तो मेरे आगे पीछे नोटों की गड्डियां लिए घुमा करते थे, मर गए सबके सब। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं था कि मैं यहां आ रहा हूं? इसमें मेरा क्या कसूर है सर, मैंने तो सबको फोन कर दिया था, लेकिन सबके सब काम सुंदरी की बर्थडे पार्टी में चले गए। काम सुंदरी? हमसे बढ़कर कौन है ये काम सुंदरी? Happy birthday to you.
100 साल तक यूं ही दिलकश जवान रहे आप, यही दुआ है हमारी। क्या बात है स्वीराट? ऐसी दुआएं पूरी नहीं होती, हाँ दिल जरूर बहल जाता है। सुंदरी जी, आपके जन्मदिन के साथ साथ हमारी हार की भी आपको बधाई हो। हारने वाले को हारने का गम नहीं, एक बार फिर हारने को जी जाता है। अब जब चाहे जंग का ऐलान कीजिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। Really? Happy birthday to you. देखिए मुझे सुंदरी से मिलना है। ओ नहीं साहब, तुम उधर नहीं जा सकते, पार्टी चल रहा है, नहीं जा सकते तुम साहब। अरे क्यों भाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते तुम। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप प्लीज अंदर जाइए और उनको बुलाइए। मैडम आपसे कोई मिलने आया है, लगता है कोई दीवाना है आपका। उसे अंदर आने दो। आपको जन्मदिन मुबारक हो और मेरा काम कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब पैसों का कमाल है नैयर साहब। हैप्पी बर्थडे सुंदरी, पैसों में इतना दम कहाँ कि हमारा ईमान डगमगा सके। वो तो तुम्हारे हुस्न का जलवा था कि हम पिघल गए। Excuse me. जन्मदिन मुबारक हो सुंदरी। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, मगर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए अपनी आंखों से देखने चला आया। एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, अगर वक्त मिले तो खोल कर देख लेना। सुंदरी, पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने ऐसा क्यों किया? खैर अब ये जानने से क्या फायदा, मुझे भुलाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैं तो गैर था, लेकिन तुम्हारे पापा तो तुम्हारे अपने थे। पापा? क्या पैसे में इतनी ताकत थी जिसने बेटी और बाप का रिश्ता तोड़ दिया? अगर आज भी तुम्हारा जमीर जिंदा है तो एक बार हॉस्पिटल जाकर अपने पापा को देख लो। डॉक्टर। सुंदरी तुम, क्या बात है? मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा अमेरिका में हैं। आप सच बोल रहे हैं? अरे मैं उन्हें खुद अमेरिका छोड़ के आया हूँ। झूठ बोल रहा है ये। क्यों डॉक्टर, बोल दूं? Hey, मिस्टर, तुमसे क्या मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं तो तुम खुद अपने मुंह से क्यों नहीं बताते हो कि इसके पापा कहाँ हैं? बोल, बोल मेरे पापा कहाँ हैं? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम ये नहीं बताओगे मेरे पापा कहाँ हैं? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अरे डॉक्टर, तुझसे तो मैं उगलवाऊंगा, बोल कहाँ हैं इसके पापा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डॉक्टर का गिरेबान पकड़ रहे हो। अरे तेरी तो गिरेबान तो क्या, मैं तो तेरे दांत तोड़ के रख दूंगा। बोल मेरे पापा कहाँ हैं? छोड़ो मुझे। अबे कहां तक भागेगा डॉक्टर, सीधी तरफ बोल दे काश के पापा, बोल बोल। जाओ बोल, सच सच बोल। नहीं नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं कि उसके पापा मर चुके हैं? बताता हूँ बताता हूँ। तुम्हारे पापा कब के मर चुके हैं? नहीं। अफसोस करके अब कुछ नहीं मिलेगा दौलत की पुजारन, तेरे पापा को मरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने इन्हें हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था, वरना तेरे चाहने वाले उनकी लाश को किसी गटर में फेंक देते। थू! आपका काम हो चुका है, आप अकेले में मिलना, चलो जाओ बाद में।
नमस्ते नेताजी। हाँ भाई तेजू, आ तेरा ही इंतजार था। हाँ भाई आ, आ चलिए भाई चलिए, आप लोग बाद में मिलना, चलिए चलिए चलो जी, चलो जी, बहुत हो गया, धन्यवाद। फरमाइए नेताजी, कैसे गरीब को याद किया? अरे सुना है तुमने आजकल काम सुंदरी का काम देखना शुरू कर दिया। अरे भाई अपना तो पैदाइशी धंधा यही है, मंत्री के लिए काम सुंदरी को एक रात की दुल्हन बनाना है। हाँ एक रात की दुल्हन बनाना है। काम सुंदरी के राशन की दुकान में मिलती है, है? अपने नेताजी को बताइए, बताइए उनको, काम सुंदरी फोकट में नहीं मिलती किसी को। ए दल्ले, तू जानता है किसके दरवाजे पर खड़ा होकर बात कर रहा है? आपके सरकार को ये बता दीजिए, काम सुंदरी वो भला है जो मंत्री को संतरी और संतरी को मंत्री बना सकती है। ए क्या बता ए, दूंगा एक। दयानंद, शांति शांति, काम सुंदरी की जो भी कीमत हो चुका दो। हमारी लालसा से बढ़कर कोई कीमत नहीं। क्या ये नेता लोग भी अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं, पता नहीं साले नेता अपने आप को क्या समझते हैं, चाहते हैं सुंदरी उनको फोकट में मिल जाएगी। फोकट में मिल जाएगी ऐसी वैसी है क्या? काम सुंदरी ऐसी वैसी है क्या फोकट में मिल जाएगी? मैं भी पूरा दाम लेके आया हूं, कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूं, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता तेजू, पूरा दाम लेके आया हूं, वो भी एडवांस सुंदरी। एडवांस लेके आया हूं, समझते हैं मजबूर है? अरे भाई ठीक है मजबूर है, हमारे दोस्त के इलाज के खबरदार उनको अपना दोस्त कहा तो, खबरदार उनको अपना दोस्त कहा तो, तू उनका दोस्त नहीं है, तूने तूने मेरे पापा को मार डाला, तूने मेरे पापा को मार डाला कबूतर। चलो तुम्हें पता तो चला कि जगदीश मर चुका है। तू कमीना था पहले से ही मुझे पता था, लेकिन इतना बड़ा हैवान ये मुझे आज पता चला है। छोड़। अच्छा हुआ तुम्हें पता चला मैं क्या हूँ, अच्छा हुआ तुम्हें पता चला मैं क्या हूँ। चल जाओ यहाँ से, get out of my house। तीजू को आंखें नहीं दिखाना, कभी तीजू को आंखें नहीं दिखाना, ये आंखें ऐसी निकाल लूंगा सुंदरी में। हाँ ये पैसा लाया हूं मैं मंत्री की तरफ से, आज रात को तुम्हें मंत्री के पास जाना है, समझे? तूने मुझे जिसम बेचने का रास्ता दिखाया, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, सुना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं, नहीं। सुन सुन सुन, तेजू से पंगा मत लेना, आज तक तू अपनी मर्जी से धंधा करती थी ना, अपनी मर्जी से करती थी ना, अब तू मेरी मर्जी से धंधा करेगी, समझी? मेरी मर्जी से। चल, तू जानती नहीं, दिखाऊं तेरे को कितना बड़ा कमीना हूं मैं। चल, तीजू को कमीना कहती है, चल कितना बड़ा कमीना है तुझे। चल 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 चल, निकाल हाथ, निकाल निकाल निकाल, कमीनापन दिखाऊं तेरा, चल चल चल, नाटक मत कर, चल उठ उठ उठ, जल्दी उठ उठ, चल चल, वफादारी दिखाता है, वफादारी दिखाता है, वफादार बनता है सारे, किसका वफादार, चल 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 चल, नाटक मत कर, चल 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 चल, कमीना पर दिखाता हूँ तेरे को, चल 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 चल, वाह वाह वाह,
कौन है खूबसूरत बाला? यही तो काम सुंदरिया सरकार। कमबख्त बड़ी तेज तर्रार और जिद्दी लड़की है ये। तेज तर्रार और जिद्दी लड़कियों के साथ खेलना तो हमारा पुराना शौक है। वाह, काम सुंदरी, जैसा नाम वैसी तुम हो। आजा मेरी बाहु में। नाजु नखरे छोड़ मेरी जान और मेरी बात मान। कहाँ जा रही तू? बच्चों के हाथ में ये अच्छा नहीं लगता। मैं कहती आगे मत बढ़ना। ना 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 ना, छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगी। सुंदरी, तुमने एक आम आदमी पर नहीं, एक मंत्री पर गोली चलाई है। क्या वजह थी जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा? देखो सुंदरी, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे जुर्म का इकरार करती है। अगर तुम इसी तरह खामोश रहीं, तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे
क्यों गोली चलाई तुमने? अरे कुछ तो बोलो। क्या तुम्हारा बलात्कार करने की कोशिश की मंत्री ने? देखो सुंदरी, मैं भी एक औरत हूं, तुम मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं अपनी सहेली समझो, और मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अफसोस मुझे इसी बात का है कि एक औरत होते हुए भी मैं अदालत में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। देखो सुंदरी, कामले। यस मैडम। इसे लॉकअप में बंद कर दो। क्या वीडू कहां से उठा लाया रे छमिया को? दिखने में तो शरीफ लगती है। Excuse me, Inspector. Yes. मैं सुंदरी जी का सीए हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये सामान देना चाहता हूँ। इसमें क्या है? उनके लिए कपड़े हैं इसमें। क्या मैं देख सकती हूँ? Oh, sure. ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। मैंने शहर के सारे क्रिमिनल लॉयर से बात की, लेकिन कोई भी आपका केस लेने को तैयार नहीं। काश मैं एक क्रिमिनल लॉयर होता। मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, नहीं किसी फैसले का डर। आप मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, इसमें आपके लिए कुछ कपड़े हैं। चलिए, अदालत जाने का टाइम हो गया है। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, हमारा आज का मुकदमा कटघरे में खड़ी मोहतरमा सुंदरी के खिलाफ है। इन्होंने एक संगीन जुर्म ही नहीं किया, बल्कि समाज में गंदगी फैलाने का घिनौना काम किया है। मिलॉर्ड, मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। मिस सुंदरी, क्या यह बात सच है कि आपने 21 नवंबर की रात जन कल्याण मंत्री श्री यादव पर जानलेवा हमला किया था? एन अटेम्प्ट टू मर्डर। आपने हमला किया था कि नहीं? जी हां। मिलॉर्ड, मुलजिमा ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इंडियन पेनल कोड दफा 307 के तहत मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
That's all, Your Honor. Miss Sundari, क्या आपकी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा? जी, कोई नहीं। माफी चाहता हूं योर ऑनर, अपने जिस्म का धंधा करने वाली ये औरत एक हसीन कातिल है जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर लोगों का कत्ल कर देती है। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। योर ऑनर, ये एक काम सुंदरी है और ऐसी औरत हमारे समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग है। ऐसी गिरी हुई औरत की पैरवी कौन वकील करेगा? मैं करूंगा इसकी पैरवी। मैं करूंगा जज साहब। सुंदरी को चाहने वाला आज भी मौजूद है वकील साहब। आपने ये कैसे समझ लिया कि सुंदरी की पैरवी करने के लिए कोई वकील नहीं आएगा? माय लॉर्ड, मैं लड़ूंगा सुंदरी की लड़ाई। सुंदरी, इस वकालतनामे पर दस्तखत करो। इस पर साइन करो सुंदरी। लो, साइन करो। अपने आप को अकेला मत समझना। ये लीजिए। मिस्टर राजे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुलजिमा अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी है। माय लॉर्ड, यहां सवाल जुर्म के इकरार या इनकार करने का नहीं है। यहां सवाल है इस समाज को बेनकाब करने का जिसकी वजह से यह जुर्म हुआ। माय लॉर्ड, मेरे नौजवान दोस्त शायद अपनी जिंदगी का पहला मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए तजुर्बा ना होने की वजह से वो मुकदमे से हटकर अदालत का कीमती वक्त जाया करने में लग गए हैं। बट डियर फ्रेंड, यह अदालत है, कोई समाज सुधारक मंच नहीं है। योर ऑनर, मैं अदालत से अपील करता हूं कि वह मुलजिमा के जुर्म की उसे कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि ऐसे अपराधियों को सबक मिले और समाज में से अपराध कम हो। मिस्टर राणे, आप किस समाज की बात कर रहे हैं? किस समाज की? वो समाज जहां तेजू जैसे दलाल रहते हैं, औरत के रूप में वो डायन शोभा रहती है, या वो कमबख्त खरबंदा धोखेबाज डॉक्टर? इस शहर के इज्जतदार लोग, इस समाज के लोग जो रात के अंधेरे में एक औरत की इज्जत लूट लेते हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं? या फिर वो मंत्री, वो मिनिस्टर जो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? माय लॉर्ड, इस अदालत में सुंदरी को सजा मिले या ना मिले, मगर मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। एक एक को नंगा करेगी सुंदरी और उठ जाएगा इस समाज से ये झूठा नकाब। ऑर्डर। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट इज एडजर्न। सुनिए, अदालत जाने का टाइम हो गया है, चलिए जल्दी। सुंदरी को किसी भी हालत में सुरक्षित अदालत पहुंचाया जाए। ठीक है, आज ये केस सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। अच्छा मैडम, मेरी बात तो सुनिए आप। चुप। क्या तेरी बात सुने दल्ले के बच्चे? हमें उस लड़की को किसी भी तरह रोकना होगा, वरना हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो प्रेमी का बच्चा कहां से टपक पड़ा। ओए यार, वो कहीं से भी टपके, ये भूल जाओ तुम। तुम उसे तोड़ो, जितना पैसा लगे लगा दो। हमारी औलादें बड़ी हो चुकी हैं, अगर उन्हें हमारी हरकतों का पता लग गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? अरे ठाकुर, तुम्हें अपनी औलाद की पड़ी है, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ सोचो। यही तो सोच रहे कमिश्नर साहब, इस केस को किसी तरह रोको भाई, रोको। मेरे तो लाखों रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे भाई। रुपया पैसा तो आता रहेगा नैयर साहब, बहुत कमाएंगे, लेकिन वो सुंदरी का मुंह बंद नहीं किया ना तो मेरा मंत्री बेचारा संतरी हो जाएगा और मेरी नेतागिरी बंद हो जाएगी। अरे तुम्हारी नेतागिरी तो वापस शुरू हो जाएगी,
इसमें कौन सी बड़ी बात है दयानंद, लेकिन अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो फिर वापस नहीं मिलने वाली। अब तुम लोग यूं ही खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? कम ऑन डू समथिंग यार। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, काम सुंदरी का आशिक किसी भी हालत में कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। बन गया तू, मुकदमा लड़ेगा काम सुंदरी का। ये काम सुंदरी नहीं, सुंदरी बोल भड़वे। ये मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना। आशिक है यार, आशिक है। मरने से पहले फड़फड़ाएगा नहीं तो शहीद कैसे कहलाएगा गधे। मौत की धमकी तो मर्द दिया करते हैं तेजू, और तू तो सारी जिंदगी औरतों की कमाई खाते आ रहा है। तुझे अपने मर्द होने का वहम कब से होने लगा भड़वे? माय लॉर्ड, पूरे दो घंटे बीत चुके हैं मगर मुलजिमा की पैरवी कर रहे मेरे नौजवान दोस्त वकील अभी तक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए अदालत से मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस केस में अपना फैसला सुनाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे नौजवान दोस्त अब अदालत में आएंगे।
जा जा रोक उसको जा। तू जा चल जा 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 मार उसको मार। जा तू जा अबे जाना जा जा बोलदार। अबे हरामी खड़ा क्या जा 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 मर। मिस्टर अजय ये सब क्या है? माय लॉर्ड ये वो शख्स है जिसने मुझे अदालत आने से रोका। इस आदमी ने बहुत गुनाह किए हैं माय लॉर्ड। ये वो आदमी है जिसने सुंदरी के बाप जगदीश राज को तड़पा तड़पा के मारा, उसके साथ विश्वासघात किया। इसी आदमी ने सुंदरी को काम सुंदरी बनाया है। शहर का सबसे बड़ा दल्ला है ये। अगर आज ये आदमी अदालत के न्याय से बच गया तो बाप के दोस्त को अंकल कहने वाली सारी बेटियों का विश्वास इस रिश्ते से उठ जाएगा। ये अदालत आधे घंटे के लिए बर्खास्त की जाती है। और मिस्टर अजय आप अपना हुलिया ठीक कर लीजिए। कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड ये शोभा है। मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहूंगा कि ये अपने दिल पे हाथ रखकर कह दें कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये गुनहगार है जज साहब, ये गुनहगार है। मैंने हमेशा इसे अपनी बड़ी बहन की तरह समझा, बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया, लेकिन इस बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन तक को नहीं बख्शा, नहीं बख्शा। जज साहब मैं गुनहगार हूं। जब से मेरे पति की मौत हुई है मैंने तेजू को अपना लिया, लेकिन तेजू ने मेरे से वो हर काम करवाया जो एक औरत को नहीं करना चाहिए था। जज साहब मैं गुनहगार हूं और मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। किस किस का नाम लूं जज साहब, किस किस का नाम लूं? सारा समाज एक मासूम लड़की के जिस्म के साथ खेलता रहा। मेरे पापा मर गए लेकिन किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। मंत्री जी मेरे पापा की मौत पर अफसोस तो नहीं कर सके, लेकिन अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए मुझे उठवा जरूर लिया। मैं काम सुंदरी बनी, सारे समाज ने खुशियां मनाई। मैंने काम सुंदरी का दामन छोड़ने की कोशिश की तो आपके कानून के रखवालों ने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। ये कैसा इंसाफ है जज साहब?
कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है जज साहब, ये कैसा इंसाफ है। माय लॉर्ड, अभी अभी खबर मिली है कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो इस अदालत में अपना बयान देने आ रहे हैं। जज साहब, मैं गुनाहगार हूं। अपनी बेटी समान सुंदरी पर मैंने बुरी नजर डाली। अपने हवस का शिकार होकर मैंने बलात्कार करने की कोशिश की। ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी कि ये कुकर्म करने से बच गया। जज साहब, मैंने गुनाह किया है सुंदरी जैसी देवी पर, और मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अदालत जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, शायद यही मेरा प्रायश्चित हो। सुंदरी को काम सुंदरी बनाने वाले तेजू को यह अदालत 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाती है और तेजू का साथ देने वाली शोभा को यह अदालत 1 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। डॉक्टर खरबंदा को अपने ही प्रोफेशन के साथ दगा करने के जुर्म में उनको दी हुई MBBS की डिग्री वापस लेती है और अदालत उन्हें 1 साल की सजा सुनाती है। भूतपूर्व मंत्री बलात्कार की नियत और प्रयास करने के जुर्म में यह अदालत उन्हें 6 महीने की सजा सुनाती है। सुंदरी ने अपने बचाव बल्कि अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाई, लिहाजा सुंदरी के हालात और उसकी विवशता को ध्यान में रखते हुए यह अदालत सुंदरी को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये बल्ले बल्ले, ये नखरे बल्ले बल्ले।